हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर टू लेसन नंबर 16, नो फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए, नो जो दिया है के एन ओ डब्ल्यू, इसका मीनिंग होता है पता होना, कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कुछ लेटर लिखने के टाइम वो आपको पता होनी चाहिए, यही इस लेसन में दिया है। और ये पार्ट फर्स्ट आपको दिया है, इसमें हम देखने वाले हैं द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ ग्रीटेड देयर टीचर मिसेस देसाई बिफोर दे सैट डाउन। It was time for their English lesson. Shall we bring out our बाल भारती textbook teacher? Asked Shruti. तो देखिए, यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके और उनके टीचर के बारे में जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये हमें इस लेसन में दिया है। तो मिसेज देसाई क्लास में आती है, उसके बाद जो श्रुति है उसने टीचर से कहा कि टीचर, हम बाल भारती टेक्स्ट बुक निकाल सकते हैं क्या? नॉट नाउ, सेड द टीचर। और टीचर ने यहाँ पे क्या आंसर दिया है कि अभी नहीं, वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टूडे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर्स। और कुछ जो स्पेशल टाइप्स होते हैं लेटर्स के, वो आज हम सीखने वाले हैं। कम यर जावेद एंड निशा, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस नोटबुक्स। और टीचर के पास जो नोटबुक्स थे बच्चों के, वो उन्होंने जावेद और निशा को बुला के उनके पास दिए और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला। एंड वाइल दे गिव आउट द बुक्स, कंटिन्यू मिसेज देसाई, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़। तो देखिए, यहाँ पे बुक्स दे उन्होंने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे दिए और बोल, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कहा है कि लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़, और मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ। द स्टूडेंट्स वेयर ऑल यस नाउ। तो देखिए, जैसे ही टीचर ने ऐसे कहा कि मैं कुछ गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, तो सारे बच्चे सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। द टीचर अनाउंस विथ अ स्माइल, और टीचर जो अनाउंस करने वाली है यहाँ पे स्माइल के साथ करती है, न्यू अराइवल्स इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम। तो लाइब्रेरी में कुछ जो न्यू अराइवल्स मतलब बुक्स आने वाले हैं, और काफ़ी सारे हैं, प्लेंटी का मीनिंग होता है काफ़ी सारे, मोर स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, इंफॉर्मेटिव बुक्स विथ लवली पिक्चर्स, बुक्स ऑफ पजल्स, जोक्स। तो कितने सारी बुक्स आने वाली, देखिए कि स्टोरी के बुक्स, अलग अलग तरीके के जो स्टोरीज होते हैं उनके बुक्स, इंफॉर्मेटिव बुक्स आने वाले जिनमें काफ़ी सारे पिक्चर्स होने वाले हैं, और पजल्स के बुक्स और जोक्स के बुक आने वाले हैं। ऑल हैव बीन डिस्प्लेड इन द लाइब्रेरी, सो यू विल नो विच वन टू आस्क फॉर द नेक्स्ट टाइम यू आर इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे टीचर ने कहा है कि कई सारे बुक्स आने वाले हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाओगे, तो आप, आपको जो बुक चाहिए उसको यहाँ पे लाइब्रेरी से ले सकते हो। ओ लवली, आई कैन हार्डली वेट, वेयर सम ऑफ द ईगर रिस्पॉन्सेज टू दिस पीस ऑफ न्यूज़। तो सारे बच्चे जो है यहाँ पे खुश हो जाते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि आई कैन हार्डली वेट, लवली, इस तरीके से वर्ड्स बोलते हैं। ऑल वेयर एक्साइटेड एक्सेप्ट वन, तो सारे बच्चे एक्साइटेड है सिर्फ एक को छोड़ के। What's the use? Complained Felix. और कौन सा स्टूडेंट है ये? Felix, जो कहता है कि इसका क्या यूज़ होगा? We have only one library period in a week. हमें सिर्फ एक वीक में एक ही बार तो लाइब्रेरी पीरियड मिलता है, एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू। और ये कितना होता है? सिर्फ हाफ एन आवर होता है। जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू क्लास। और जैसे ही हम बुक रीड करते हैं, स्टोरी में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, उसी टाइम हमारी बेल बज जाती है और हमें फिर से बुक वहाँ पर छोड़ के क्लास में वापस जाना होता है। नाउ वर्षा ज्वाइन इन टू से, तो वर्षा का भी यही सेम कहना था, तो उसने भी ज्वाइन किया यहाँ पे। फॉर टू वीक्स आई हैव बीन वेटिंग टू नो वॉट हैपन टू दी पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। तो मैं यहाँ से दो हफ्तों से वेट कर रही हूँ कि जो मैं स्टोरी रीड कर रही हूँ वहाँ पे आगे क्या हुआ, ये मुझे यहाँ पे देखना है। लेकिन दो हफ्ते से मैं वेट कर रही हूँ। देर वॉज अ हॉलीडे लास्ट थर्सडे, और लास्ट थर्सडे हॉलीडे आ गया, इसके लिए मेरी स्टोरी अब वहाँ पे इनकम्प्लीट ही रही है। एंड वी मिस द लाइब्रेरी पीरियड, तो लास्ट थर्सडे जो था वहाँ पे उनका लाइब्रेरी पीरियड कब होता था? थर्सडे को। और थर्सडे को हॉलीडे आने के कारण जो ये वर्षा है उसने जो स्टोरी रीड करना शुरू किया था वो कम्प्लीट ही नहीं हो पाई है। मिसेज देसाई रियलाइज दैट वॉट अवर स्टूडेंट सेड वॉज परफेक्टली ट्रू। तो मिसेज देसाई को भी रियलाइज़ होता है कि बच्चे जो कह रही है बिल्कुल सही है, कि हफ्ते में एक ही बार लाइब्रेरी पीरियड मिलता है और उसमें भी स्टोरी कम्प्लीट नहीं हो पाती है। शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलो अ होम इशू फैसिलिटीज़ फॉर क्लास फोर। तो यहाँ पे टीचर जो है डिसाइड कर लेती है कि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को होम इशू फैसिलिटी दे फोर्थ क्लास के बच्चों को, ताकि वो बुक अपने घर पे लेके जाए और रीड कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दे वेर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टूक होम। तो वो क्या कर सकते हैं, बच्चे बुक को घर पे लेके जा सकते हैं और घर पे रीड कर सकते हैं। हे वेट, थॉट मिसेस देसाई, देर इज़ अ बेटर वे टू डू इट, वाई नॉट लेट द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट शी हैड प्लान टू टीच दैट डे, हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर्स।
तो देखिए मिसेस देसाई जो है टीचर, उनको सडनली एक आइडिया आ जाता है कि मुझे बच्चों को आज तो लेटर लिखना ही सिखाना है, तो क्यों ना मैं बच्चों को लेटर लिखने के लिए बोलूँ प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए कि उन्हें जो होम इशू फैसिलिटी चाहिए बुक के लिए वो मिल जाए, और उनको ये भी पता चल जाएगा कि फॉर्मल लेटर पोलाइट लेटर किस तरीके से लिखते हैं। वॉट एन अपॉर्चुनिटी, अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे टीचर कह रही कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पे कि मौका मिल रहा है बच्चों को और एक सब्जेक्ट भी मिला है हमें फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। और जब कोई रियल सिचुएशन होती है तो हम लोग काफ़ी अच्छे से उससे सीख पाते हैं और इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग सीख हमें मिलती है। When Mrs. Desai suggested this to her class, they were very excited. और जब Mrs. Desai ने अपने बच्चों को स्टूडेंट को बोला ये सजेशन दिया कि हम लोग इस तरीके से लेटर लिख सकते हैं प्रिंसिपल को, तो सारे बच्चे एक्साइट हो जाते हैं। Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter. और यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए Mrs. Desai स्टार्ट करती है बच्चों को कि किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। The sender's address and the date should be written in the upper right corner of the page, she taught. तो देखिए यहाँ पे टीचर ने सबसे पहले क्या सिखाया बच्चों को कि सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो सेंड कर रहे लेटर जो भेजने वाले होते हैं सेंडर्स, तो यहाँ पे सेंडर्स कौन से, स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, तो सेंडर्स का एड्रेस आएगा राइट साइड में और डेट आएगा कि कौन से डेट को वो लेटर लिख रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट द नेम और पोस्ट ऑफ द रिसीवर नियर द लेफ्ट मार्जिन। और लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा कि लेटर हम जिसे भेज रहे हैं जो रिसीव करने वाले हैं वो होते हैं रिसीवर, तो उनका नाम उनकी जो पोस्ट है वहाँ पे हम लिखने वाले हैं लेफ्ट साइड में। देन राइट हिज और हर एड्रेस बिलो दैट, और नाम लिखने के बाद उनका एड्रेस लिखा जाएगा नीचे। एंड आफ्टर दैट यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट, और उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है वो लिखना होगा। बिलो द रिसीवर्स एड्रेस, जो हमने रिसीवर्स का एड्रेस लिखा है उसके ठीक नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। दैट समथिंग न्यू रिमार्क शायरन, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा कि ये कितना न्यू थिंग्स है जो हमें सीखने मिल रही है। वी डू नॉट मैंशन अ सब्जेक्ट इन अवर फ्रेंडली लेटर्स डू वी, तो यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन किया एक स्टूडेंट ने कि हम लोग जब फ्रेंडली लेटर्स लिखते हैं फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो क्या वहाँ पर भी सब्जेक्ट मैंशन करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स नॉट, सेड मिसेस देसाई। What do we do next, teacher? Shruti wanted to know. तो अभी श्रुति को ये जानना चाहती है श्रुति कि next हमें क्या करना है teacher? You address the receiver writing dear sir or dear madam. तो यहाँ पे हम जिनको letter लिखने वाले हैं वो अगर sir है तो वहाँ पे dear sir लिखेंगे, अगर madam है तो वहाँ पे dear madam से हम start करेंगे। Remember the rest of the letter also should be written in a polite language. और जो बाकी का letter हम लिखने वाले हैं वहाँ पर भी हमें polite language ही use करनी है। Write to the point, Mrs. Desai explained. तो teacher ने अच्छे से उन्हें explain किया। And should we end it with yours lovingly? Asked Renu. तो जो Renu है student, उसने कहा कि teacher ये letter हम yours lovingly इस word से end कर सकते हैं क्या? Oh no, said teacher. You can write that to your friends. तो आप जो लिखते हो last में yours lovingly, ये सिर्फ हम friends को लिख सकते हैं और parents को लिख सकते हैं और even to me, या फिर अपने teachers को लिख सकते हो। But when you are writing as a student to the principal, you may write yours faithfully or sincerely. तो देखिए ये यहाँ पे teacher ने ये कहा है student से कि जब आप फ्रेंड्स को लिखोगे, पेरेंट्स को लिखोगे या फिर टीचर को लिखोगे तो वहाँ पे यूएस लविंगली लिख सकते हो, बट एज अ स्टूडेंट्स अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो तो आपको एंड कैसे करना है, यूएस फेथफुली या फिर आप लिख सकते हो यूएस सिंसियरली, इतना ही आपको लिखना है। डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द रिसीवर अप्रोप्रिएटली बिफोर यू क्लोज द लेटर, और लेटर ख़त्म करने से पहले आपको उनको थैंक्स भी कहना है। कम ऑन नाउ लेट्स अडॉप्ट दिस लेटर टुगेदर, तो देखिए चलो सब हम लोग क्या करेंगे लेटर लिखेंगे। After quite a few errors, cancellation and changes, yes, the letter class 4th wrote to their principal. तो यहाँ पे सारे बच्चे मिलके लेटर लिखते हैं, कुछ जो एरर्स है वहाँ पे मिस्टेक होती है, कुछ चेंजेस यहाँ पे टीचर करके फिर एक लेटर रेडी हो जाता है। इट वॉज रिटर्न वेरी नीटली, और काफ़ी अच्छे से नीटली ये लेटर लिखा है यहाँ पे। तो देखिए आपको लेटर भी दिया है नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो है ये होगा एड्रेस सेंडर्स का, तो यहाँ पे सेंडर्स कौन से, फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, तो उन्होंने लिखा है अपने स्कूल का नाम प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर 6 जुलाई 2014, तो सेंडर का एड्रेस और डेट उन्होंने लिखा है। देन लेफ्ट साइड में देखिए
रिसीवर, जिनको हम लेटर लिखते हैं, जो रिसीव करने वाले होते वो होते हैं रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे दिया है टू द प्रिंसिपल प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर। तो जो रिसीवर है उनका पोस्ट दिया है यहाँ पे प्रिंसिपल, और उनका जो एड्रेस है वो दिया है। देन देखिए यहाँ पे उसके ठीक नीचे हमें दिया है सब्जेक्ट, कि इनका सब्जेक्ट क्या था, रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी। और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया है डियर मैडम, तो उनकी प्रिंसिपल जो है वो मैडम है, तो इसलिए उन्होंने डियर मैडम से स्टार्ट किया है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको पूरे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है पोलाइट लैंग्वेज में। तो किस तरीके से किया है देखिए, वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ हैव अ रिक्वेस्ट, अवर इंग्लिश टीचर मिसेस देसाई हैज इन्फॉर्म अस अबाउट मेनी न्यू बुक्स दैट हैव अराइव इन अवर स्कूल लाइब्रेरी, वी आर ईगर टू रीड देम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने ये कहा है कि हम फोर्थ क्लास के बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इंग्लिश टीचर ने हमें इन्फॉर्म किया है कि बुक लाइब्रेरी में काफ़ी न्यू बुक्स आने वाले हैं और हमें उनको रीड करना है। हाउ एवर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिनिश रीडिंग अ बुक ड्यूरिंग द लाइब्रेरी पीरियड विच इज़ ओनली वन अ वीक। हम लोगों को बुक्स रीड तो करने हैं लेकिन लाइब्रेरी का हमें वीक में एक ही पीरियड मिलता है और इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है हमें रीड बुक करना, बुक को रीड कर पाना। मे वी हैव यूर काइंड परमिशन मैडम टू टेक दी बुक्स फॉर होम रीडिंग। तो आपकी हमें परमिशन चाहिए टीचर, मैडम आपकी परमिशन चाहिए कि हम लोग बुक घर पर लेके जा सकते हैं क्या। वी प्रोमिस दैट वी शैल टेक ऑलमोस्ट केयर ऑफ दी बुक्स एंड रिटर्न देम ऑन टाइम। तो हम आपको प्रोमिस करते हैं कि हम लोग बुक घर पर लेके जाएंगे तो उनकी केयर करेंगे, उन्हें अच्छे से रखेंगे और वापस रिटर्न और फिर लाइब्रेरी में कर देंगे। और देन देखिए यहाँ पे लास्ट एंड जो किया है किस तरीके से किया है, यूअर्स फेथफुली और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर। तो इस तरीके से लेटर लिखना होता है। अगर फॉर्मल लेटर आप अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे तो इस तरीके का आपको क्या करना है, क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो देखिए स्टूडेंट ये था लेसन का फर्स्ट पार्ट, तो आपको सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आपको सेकेंड पार्ट भी देखना है ताकि आपको अच्छे से लेसन समझ में आएगा। और ये जो लेटर राइटिंग का क्राइटेरिया दिया है ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।